स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे ग्रीन चिकन। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। इसे हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत इजीली अपने घर पर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ग्रीन चिकन बनाने के लिए हमें यहाँ पर हम चिकन ले लिए हैं, सरसों तेल, दही, कुछ खड़े गरम मसाले जैसे एक दालचीनी, दो लौंग, दो इलायची, नमक। यहाँ पर मैं एक छोटे से अनियन को इस तरह से बारीक करके कट करके रख ली हूँ, इसे आप एकदम बारीक काटें। हमें यहाँ पे हल्दी भी लगेगा तो यहाँ पे मैं हल्दी ले ली हूँ, और यहाँ पे हम गरम मसाला पाउडर भी लिए हैं। हम एकदम छोटा सा अनियन को हम इस तरह से चार टुकड़ों में, पांच टुकड़ों में कट करके रख लिए हैं। यहाँ पे हमें पुदीना पत्ता का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं पुदीना के पत्ते ली हूँ, कुछ पुदीना के पत्ते, कुछ धनिया पत्ते। आप इसको बराबर ले सकते हैं, थोड़ा सा पुदीना पत्ता धनिया पत्ता से ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा। और इसे हम हरी मिर्च से ही बनाएंगे, तो आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हम यहाँ पर लहसुन का थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, अदरक थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम ग्राइंडर ले लिए हैं, इसमें हम जो ये प्याज को इस तरह से कट करके रखे थे ये प्याज डाल देंगे, पुदीना के पत्ते डाल देंगे, धनिया पत्ते डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे इसमें और लहसुन। ये सारे जो भी हम इसमें लिए थे सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल के हल्का पानी डाल के इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हम पेस्ट तैयार कर लिए हैं, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। तो चिकन में हम पहले थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, इसमें हम थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, इसमें हम दही डालेंगे। और हम इसमें हमने जो ये पूरा पुदीना पत्ता धनिया पत्ता इसके जो हम पेस्ट तैयार किए थे ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल, इसमें एक से डेढ़ चम्मच सरसों ऑयल डाल के मिक्स कर लें, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, और आप इसे ढककर 40 मिनट के लिए फ्रिज में आप रख दें। इसी तरह से 40 मिनट बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो 40 मिनट तक हो गया है, आप इसी तरह से इसको ढक के भी रहने दें। आइए पहले स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे, अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल। तो यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच तेल डाल दी हूँ इसमें, हमारा तेल भी पूरा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले थे ये डाल देंगे, तो हमारे खड़े मसाले भी इसमें डाल दिए हैं, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो प्याज को अच्छी तरह से भून लें। तो प्याज को हम अच्छी तरह से भून लिए हैं, आप देख रहे हैं, हमें इसे ज्यादा पूरा नहीं भूनना है, जितना भूने हैं उतना ही भूने। और इसमें हमारे जो ये चिकन था जिसको हम लोग 40 मिनट तक फ्रिज में रखे थे, अब आप इसे ऐड कर दें इसमें, आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो आप इसे लो फ्लेम पे थोड़ा टाइम के लिए पकने दें। तो हम इसे ढककर ही पकाएंगे, इसका गैस का फ्लेम लो करके ही इसको पकाए, इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है हमें। आप इसमें थोड़ा नमक डाल दें, हम लोग पहले भी नमक ऐड किए थे, तो आप नमक थोड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें इसमें। तो अभी से आप अच्छे से नमक को भी इसमें मिक्स कर लें। अब हमें इसमें कुछ भी डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे ढककर गैस का फ्लेम लो करके ही आहिस्ता आहिस्ता करके पकाए इसे पूरा अच्छे से, हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक जाएगा। और अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे पानी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं इसमें कितना सारा ग्रेवी है, इसी में ये पूरा अच्छे से पक जाएगा हमारा चिकन। तो आपको इसमें आप देख ले, आपको किसी चीज़ की कमी लगे तो आप डाल सकते हैं, पानी वगैरह डाल सकते हैं। तो हम ये गैस का फ्लेम लो पर ही इसे अच्छे से पकाएंगे।
आइए चेक कर लेते हैं। हमारा ग्रीन चिकन बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप इसे गैस का फ्लेम लो करके ही अच्छे से आप इसे पकाएं। देखिए कितना सुंदर से ये पूरा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ग्रीन चिकन सर्व कर दिए हैं। आप देख पा रहे कितना खूबसूरत लग रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।